सम्मानीय शिक्षक साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में बात करेंगे, जो निष्ठा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों के लिए बहुत ज़रूरी है। यह भोपाल दिनांक 20/10/2020, निष्ठा निर्देश क्रमांक 5, उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भ पत्र के अनुक्रम में लेख है कि जिलों में हम सभी के साझा प्रयासों से निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण 16 अक्टूबर 2020 से सफलतापूर्वक प्रारंभ हो चुका है। यह प्रशंसनीय है कि पहले प्रशिक्षण में दिनांक 20 अक्टूबर 2020 तक हमारे प्रदेश के 2,10,930 ऊर्जावान शिक्षकों ने नामांकन पूर्ण कर लिए हैं एवं इनमें से 1,55,312 शिक्षकों द्वारा अपनी समझ बनाते हुए कोर्स पूर्ण भी कर लिए हैं। दिनांक 19 अक्टूबर को राज्य स्तर से सभी जिलों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदान किए गए विभिन्न दिशा निर्देशों के क्रम में पुनः आवश्यक मार्गदर्शन निम्नानुसार है। जिले स्तर पर यह प्रशिक्षण सभी प्राचार्य, डाइट एवं फैकल्टी सदस्यों, DPC, APC, BRC, BSc, CSc को लेना अनिवार्य है, जिससे कि वे अपने ज़िले के सभी शिक्षकों को अकादमिक संबलन प्रदान कर सकें। सभी शिक्षक प्रत्येक मॉड्यूल के प्रशिक्षण के समय स्वयं की एक डायरी बनाएं, जिसमें आवश्यक बिंदु नोट करें, ताकि इस डायरी का उपयोग शाला में बच्चों के साथ शिक्षण कार्य में साझा करने में सहायक होगा। डायरी में प्रशिक्षण पूर्ण करते समय अपने अनुभव, विचारों एवं प्रशिक्षण पर अपनी सीख को अपने शब्दों में लिखें। निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य अपने ज्ञान व कौशल निर्माण को और अधिक समृद्ध बनाना है, न कि प्रशिक्षणों को जल्दबाजी में पूर्ण कर प्रमाण पत्र प्राप्त करना है। प्रत्येक प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत उस प्रशिक्षण से जो सीखा उसे विभिन्न समूह में शेयर करें, से हम आप एक दूसरे के विचारों को जान सकें। फिर इसमें मुख्य बिंदु देखते हैं, तकनीकी बिंदु। राज्य द्वारा प्रेषित निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के परिचय पर तैयार वीडियो को सभी शिक्षक समूह के व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित करें। सभी शिक्षक एवं अधिकारियों को विभागीय यूनिक आईडी पासवर्ड के माध्यम से ही दीक्षा ऐप पर अनिवार्यता है प्रशिक्षण पूर्ण करें। अन्य किसी माध्यम से कोर्स करने पर NCERT से सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं होगा। इसमें प्रशिक्षण से संबंधित जो वीडियो राज्य द्वारा निर्मित किए गए हैं उन्हीं को साझा करें। जिले स्तर पर अन्य प्रकार के वीडियो ना बनाएं, जिससे शिक्षकों में भ्रम की स्थिति निर्मित हो। और यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, कुछ व्यक्तियों के द्वारा कोर्स पूर्ण करने के बाद प्रश्नावली जो शिक्षक भरते हैं, जिसके आधार पर पूर्णता प्रमाण पत्र आता है, उसे डाउनलोड कर उत्तर अन्य साथियों को व्हाट्सएप अथवा अन्य के माध्यम से भेज रहे हैं। ऐसे प्रतिभागियों का अंतिम प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, इसे ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जा रहा है। अतएव प्रतिभागियों को प्रश्नावली स्वयं कोर्स के आधार पर भरने हेतु निर्देशित करें। अतः यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और किसी भी मॉड्यूल को डाउनलोड करके आप उसे व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर ना करें। कुछ जिलों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके ज़िले के शिक्षकों का लक्ष्य और शिक्षकों का लक्ष्य समान नहीं है। एक परिसर, एक शाला में ऐसे प्राथमिक माध्यमिक शाला के शिक्षक हमारे, उन्हें भी निष्ठा प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। तो इस तरह से इसमें जो मेन बिंदु है कि हमें प्रश्नावली को डाउनलोड करके किसी भी तरह से व्हाट्सएप या अन्य माध्यम से शिक्षकों को शेयर नहीं करना है। ऐसा करने पर
हमारा अंतिम प्रमाण पत्र नहीं आएगा। इसलिए प्रश्नावली सभी शिक्षक अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर ही हल करें और ऐसा कोई कार्य ना करें कि जिससे बाद में समस्या खड़ी हो। अतः यह उपयोगी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने शिक्षक साथियों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।